इस क्वेश्चन को आपको इवेलुएट करना है या सिंप्लीफाई करना है, आप इस क्वेश्चन को के एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को आप देखिए जो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हमेशा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को आप क्या क्या करिए, कोरिलेट किया करिए किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से, ठीक है। तो आप इसको देखिए, इसको देख के आपको क्या याद आना चाहिए, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और या यहाँ अल्फा कर देते हैं, ठीक है, से 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। और इसको देख के क्या याद आना चाहिए आपको, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो ये दोनों इन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को देखने पे आपको ये दो आइडेंटिटी कोरिलेट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है, दैट इज़ द फार्मूला ऑफ साइन 2 अल्फा, ये साइन 2 अल्फा का फार्मूला है, और दैट इज़ द फार्मूला ऑफ कॉस 2 बीटा, ठीक है। तो ये आपको इतना कोरिलेट होना चाहिए। अब शुरू में आप करते करते ये चीज़ें आपको कोरिलेट होने लगेंगी, शुरू में अचानक नहीं होने लगता है, खैर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ पे x क्या प्लेस करेंगे, tan अल्फा, और यहाँ पे y क्या प्लेस करेंगे, tan बीटा। तो लिखिए लेट x इक्वल्स टू tan अल्फा एंड y इक्वल्स टू tan बीटा। तो माई गिवन एक्सप्रेशन इज रिटेन एज साइन इनवर्स ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये चीज़ क्या लिखा जाएगा, ये चीज़ साइन 2 अल्फा लिखा जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 टाइम्स साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा एंड प्लस कॉस इनवर्स ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, कॉस ऑफ 2 बीटा हो जाएगा। तो अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स होता है यहाँ, एक्स की प्लेस पे क्या है आपका, 2 अल्फा है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, ये चीज़ हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 2 अल्फा हो जाएगा ये। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ cos x, x होता है, तो ये हो जाएगा 2 बीटा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे x की जगह बीटा है। यहाँ से हम 2 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, जब ब्रैकेट से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से आपका बाहर आ जाएगा, और ये 2 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच गया आपका, यहाँ से ये रिमूव कर देते हैं, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा। तो फाइनली आपका हो गया tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स नहीं था यहाँ पे, tan था tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक है, 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा। लेकिन अल्फा बीटा दीज आर द डमी वेरिएबल्स, ये आपके वेरिएबल्स हैं, कोई थीटा बीटा मान सकता है या थीटा फाई मान सकता है, कोई कुछ भी मान सकता है, खैर उसको हटाना पड़ेगा, जो भी एज्यूम किया है डमी वेरिएबल उसको रिमूव करके आपको ओरिजिनल जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें देना पड़ेगा आंसर। तो tan अल्फा देखिए, जो एजम्पशन किया था tan अल्फा क्या था आपका, x था, जहाँ भी tan अल्फा है वहाँ पे क्या रख देंगे, x, और x हमारा ओरिजिनल वेरिएबल है। इसी तरह से tan बीटा आपने क्या एज्यूम किया था, y को, तो y आपका ओरिजिनल वेरिएबल है, तो यहाँ पे ओरिजिनल वेरिएबल हम लोग रिप्लेस कर देंगे, तो दैट कम्स आउट टू बी, इसकी जगह पे हम x लिख दे रहे हैं और इसकी जगह पे क्या लिख दे रहे हैं, y लिख दे रहे हैं, जैसा एज्यूम था 1 माइनस x इंटू वाई। तो ये इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है। तो दैट इज योर आंसर।